हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम योर मेंटर अनुराग। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2019, जो पेपर आज ही हुआ है 5 मई को। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है फोर्स F20 + 10y एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन वेयर एफ इज इन द न्यूटन एंड द वाई इज इन अ मीटर। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव अ पार्टिकल फ्रॉम वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू 1। तो एक ही चीज वेरी कर रही है, वो क्या कर रही है, वाई के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल हम रिटेन जो करते हैं dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx। तो dx मत लगाओ भैया, क्या लगा दो, dy लगा दो। ठीक है, वेरी किसके अगेंस्ट कर रहा है, y डायरेक्शन में कर रहा है तो y लगा दो। ठीक है, ओके, y कर रहा है, फोर्स भी उसमें डायरेक्शन है, वेरिएबल कौन है y के साथ, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, cos 0 कितना होता है 1, लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद 20 + 10y को पुट करना था, साथ में क्या आना है, dy इज इक्वल टू dw, करो इंटीग्रेशन, और वेरिएबल कौन है वाई, जो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 से 1 तक वेरी हो रहा है। दैट्स इट, 20 dy + 10y dy, हल्का सा इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से 1 0 से 1, विच इज इक्वल टू 20y, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, प्लस में 10y² / 2, इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है और जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है 0 से 1, कितना हुआ 5, दैट विल बी 20 1 - 0 कितना बन जाएगा 20 बनेगा, सिमिलरली यहाँ भी कितना बनेगा 5, और 5 - 0 दैट विल बी 5, तो दोनों को ऐड करूँगा दैट विल बी 25। वर्क डन निकाल रहा हूँ तो वर्क डन की डिग्री होती है 25 जूल। तो सीधा सीधा एक ऑप्शन मैच हो रहा है 25 जूल, मोस्ट प्रोबेबली आंसर विल बी 25 जूल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होप फंडा क्लियर होगा, क्वाइट हेल्पफुल, बिल्कुल बेसिक सा है। ठीक है, अगर हमें बेसिक अप्रोच पता है तो वी कैन डू दैट। हमें अगर क्वेश्चन करते हुए ये समझाया गया था dw इज इक्वल टू fdx क्यों हुआ, यू कैन डू दैट, कोई इशू नहीं है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।